हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल प्रियस मेडिसिन नॉलेज टिप्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों तथा हेल्थ संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन कंपोजिशन के साथ आने वाले एक बुखार की सिरप के बारे में। यानी छोटों बच्चों में बुखार बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिला है। यदि आपके छोटों बच्चों में बुखार की समस्या ज़्यादा है तो आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसके साथ किसी भी एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसीमोल EMF सिरप के बारे में। जानेंगे कि पैसीमोल EMF सिरप की कंपोजिशन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके प्रिकॉशन और डोज क्या है, सब कुछ बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम पैसीमोल EMF सिरप के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। अगर बात करें इसकी कंपोजिशन के बारे में तो इसमें मेफेनामिक एसिड तथा पैरासीटामॉल दो तरह के दवाओं का कंपोजिशन होता है। अगर बात करें हम इसकी मात्रा की तो पैरासीटामॉल इसमें 250 mg तथा मेफेनामिक एसिड इसमें 100 mg में पाया जाता है। इस प्रकार से दो कंपोजिशनों से जो हमारा पैसीमोल EMF सिरप है वो तैयार होता है। चलिए बात करते हैं हम इसकी प्राइस के बारे में। अगर बात करें हम इसके प्राइस के बारे में तो दोस्तों, ये 60 ml के पैक में आता है और इस 60 ml के पैक की जो प्राइस होता है वो 82 रुपया होता है, जो आपको किसी भी मेडिकल और केमिस्ट स्टोर पर मिल जाएगा। अगर ये आपको किसी मेडिकल पे नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी कंपनी की तो इप्का कंपनी द्वारा इस पैसीमोल EMF सिरप को बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही शानदार सिरप और बहुत ही शानदार कंपनी है। चलिए अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। बात करें हम पैसीमोल EMF सिरप के यूजेस के बारे में तो दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है और बुखार उनका चढ़ रहा है, उतर रहा है, क्योंकि पैरासीटामॉल की जो सिरप है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है। आप पैरासीटामॉल पिला रहे हैं फिर भी जो आपके बच्चों में बुखार की समस्या है वो लगातार बना रह रहा है, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंपोजिशन के साथ सिरप बताने वाले हैं, जो पैसीमोल EMF है। यदि आप इस पैसीमोल EMF सिरप का प्रयोग अपने बच्चों में लगातार 4 से 5 दिन तक करते हैं तो जो आपकी बच्चों में बुखार की समस्या है, बच्चों में जो बुखार बार बार चढ़ रहा था, उतर रहा था, वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ आप इस सिरप के साथ किसी भी एंटीबायोटिक को ले सकते हैं। यदि आप एंटीबायोटिक के साथ इस सिरप को लेते हैं तो जो आपके बच्चों में बुखार हो रहा है, साथ ही साथ पेट दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, वो सब कुछ बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आपके बच्चों में बुखार के साथ साथ बदन दर्द, कमर दर्द या शरीर दर्द हो या पेट में दर्द हो, तो आप एक बार पैसीमोल EMF सिरप का प्रयोग कीजिए, क्योंकि पैसीमोल EMF सिरप लेने के आधे घंटे के बाद से जो आपके बच्चों में कितना भी तेज़ बुखार है वो बिल्कुल उतर जाता है। तो आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। तो पैसीमोल सिरप किसी प्रकार से तेज बुखार को उतारने का एक बहुत ही बेहतरीन सिरप है। तो यही था पैसीमोल सिरप के बारे में जानकारी। जानते हैं इसके डोजेज के बारे में। अगर बात करें हम पैसीमोल EMF सिरप के डोजेज के बारे में तो कोई बच्चा है जो 1 साल से लेकर 2.5 साल तक है तो ऐसे बच्चों में हम 2.5 ml दवा 3 टाइम दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को इस दवा को दे सकते हैं। साथ ही साथ कोई बच्चा 2.5 साल से लेकर 6 साल तक है तो ऐसे बच्चों में हम ये दवा 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर में, 5 ml शाम को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि बच्चों में आप दवा का प्रयोग करते हैं तो जो आपके बच्चों में बुखार की समस्या है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो यही था पैसीमोल EMF सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।